देवास शहर के मधुमिलन चौराहे पर बीती रात एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ई रिक्शा को एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला व दो पुरुष घायल हुए, जबकि एक बच्चे की हादसे में मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर से देवास रक्षाबंधन मनाने के लिए एक परिवार ई रिक्शा से देवास पहुंचा था, तभी मधुमिलन चौराहे पर रात करीब 11 बजे अंध गति से आ रही एक भोपाल पार्सिंग कार ने टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा में सवार आशीष फतोड़, आनंद मेवाती व पूजा निवासी सभी देवनगर राजमुल्ला इंदौर मामूली रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक बच्चा जिसका नाम यश उम्र 5 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने यश को मृत घोषित कर दिया। ई रिक्शा में शिवानी और 3 बच्चे और भी सवार थी, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। इंदौर से आ रहे थे हम, ये कार वाले ने आके ठोक दी गाड़ी ये ई रिक्शा से। अच्छा, कौन? मेरे नंदोई, मेरी ननंद और मेरा बच्चा था, हम आए थे राखी बांधने आए थे मासी सासू के वहाँ। अच्छा, मासी यहाँ मासी आ रहे थे इंदौर से, तो एकदम हमने गाड़ी पड़ गई, तो टर्न ली हमने, तो कार वाले ने गाड़ी ठोक देखा सर, मैं तो इनके साथ ही बच्चों को, ये दीदी मेरा शिवानी, मेरे हस्बैंड का आनंद मेवाती, पूजा फतरोड़, आशीष फतरोड़, सब हम इंदौर में रहते हैं। इंदौर में रहते हैं, देवनगर। अच्छा, मेरे चार बच्चे थे। अच्छा, दो दो बच्चे, जो बच्चा है वो अभी एक के किसी को ज्यादा कुछ हो गया, उनका नाम क्या है बालक का? वो यश मेवाती सर। यश मेवाती, आनंद, 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था मधुमिलन चौराहे पे, आशीष, आनंद और आशीष थे, और एक बच्चा था यश, जिसको मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया था। नहीं, ये नहीं पता लगता, बाकी 3 को मामूली चोट है, बच्चे को मृत अवस्था में लाया। डॉक्टर राहुल गहलोत, इंग्लिश, देवास। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।